करते हैं, हम सदा मगर नूरे खुदा की बात करते हैं, खुदा में मुस्तफा है मुस्तफा की बात करते हैं। कोई पूछे कि जंगल में मंगल कैसे होता है तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। कोई पूछे कि जंगल में मंगल कैसे होता है तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। दोस्तों, इस वक्त स्टेज पे मुकर्रर शोरा बयान फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम साहब क़िबला निज़ामी और शायर हिंदुस्तान जनाब कारी कबुलद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। वह बिना खान का है कि तकद्दुस को अपने सीने में नशा कर जीने वाले मशाइख़ निज़ाम माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, जिनके सामने निजामत करना मेरी तभी औकात के मुताबिक है, लेकिन फिर भी मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। ये शीशा टूट भी जाए तो कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। माशाल्लाह दोस्तों, एक ही दो नहीं बल्कि न जाने कितने आलिम फाजिल के उस्ताद, मेरे भी उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम साहब क़िबला निज़ामी बड़ी बावकार शख्सियत स्टेज पे तशरीफ फरमा है। दोस्तों, लोग इनका हाथ चुनते हैं, मैं इनकी जूतियां चुनता हूं। लोग हाथ चुनकर वहां नहीं पहुंच पाए जहां मैं इनकी जूती चुनकर पहुंच गया हूं। मैं एक शेर सुनाता हूं जिस शेर को मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज नकीब आदम हिंदुस्तान जो इस वक्त निजामत की दुनिया के बादशाह बने हुए हैं, जिसे हमारा नकीब आदम हिंदुस्तान आसिफ रजा सैफी साहब के बिना प्रताप गली के नाम से जानते और पहचानते हैं, जो इस वक्त बगदाद शरीफ में है, जो इस वक्त बगदाद शरीफ में है। दुआ करें कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अदा फरमाए। दिल से बोले, दिल से एक शेर करता हूं। मैं तकरीबन हर इस शेर को हर जलसे हर शेर को पढ़ता हूं, इसलिए कि मैं इस शेर को इस शेर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूं। इंशाल्लाह जब आप इस शेर को सुनेंगे तो मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश में तब्दील हो जाएगी, लेकिन यहां से लेकर वहां तक आखिरी तक सब लोग अपने हाथों को उठाकर जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। जिंदगी में कम से कम एक बार बस, एक बार बस जिंदगी में कम से कम एक बार बस, एक बार बस चूम लूं मैं तलवाए सरकार बस, जिंदगी में कम से कम एक बार बस, एक बार बस चूम लूं मैं तलवाए सरकार बस, एक बार बस। और इसलिए मरने की जल्दी है मुझे मेरे हुजूर, चाहता हूं आपका दीदार बस एक बार बस। इसलिए मरने की जल्दी है मुझे मेरे हुजूर, चाहता हूं आपका दीदार बस एक बार बस। और मुस्तफा महशर में दीवाना मुझे कहते रहे, मैं कहूं सरकार बस एक बार बस, मैं कहूं सरकार बस एक बार बस। माशाल्लाह दोस्तों, एक शेर सुन ले मोहब्बत के साथ अपने हजरात से बात करवा रहे हैं। शायर के अपने अपने ख्याल, शायर हर शायरी ने अपने अपने ख्याल पेश करता है कि अगर शरीयत की हद में हो तो इजाजत है। अगर बैठे हुए हैं इनकी दुआओं का सहारा लेकर। एक बात के मदीने से मदीने वाले आका यहां पर आते हैं या हम सब तसव्वुर में मदीने शरीफ जाते हैं। एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अंधेरे में भी रहने दिल उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में भी रहने दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी रहने दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं। अब इसके बाद जो शेर आएगा उसमें शरीयत है, उसे आप सोने की कलम से लिखें। अंधेरे में भी रहने दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मोहब्बत से, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। हजरात आप अभी हजरात अभी जनाब कारी ज़ैनुलाब्दीन साहब को समाप्त करेंगे, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि अब उस दरगाह के शेखुल अदब को और खिताबत की दुनिया के मैदान के शहसवार को और मुनाज़राना ज़हनियत के मालिक को, अहले बैत के नक्ते को तकसीम करने वाले पैकर को, आला हजरत के हिलमी नजरियात को आम करने वाले लिटरेचर को, मुफ्ती आज़म हिंद के
سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے، جن کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے۔ مفتی سلیم صاحب کے بنا نظامی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ وہ انسان کا نام ہے جس کے بنیاد خطابت کی دنیا کا جادوگر کہتی ہے، کرسی خطابت کا بادشاہ کہتی ہے، اعلیٰ حضرت کے علمی نظریات کا لٹریچر کہتی ہے، مفتی اعظم ہند کے تقوی کی لائبریری کہتی ہے، فصاحت و بلاغت کا مالک کہتی ہے، اعلیٰ حضرت کے علمی نظریات کو عام کرنے والے لٹریچر کو کہتی ہے، اور حضور ناج الشریا کے محبت کا عظیم دروازہ کہتی ہے، جسے دنیا جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے بھی دل میں الفت سرور ہوا گئے وہ لوگ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، ہم بشر سے لازم ہے اطاعت رسول کی، لیکن کسی کا خون نجس ہو تو